आज जो है इतिहास में हम आगे बात करते हैं महाजनपद काल के बारे में किसके बारे में महाजनपद काल उत्तर वैदिक काल में जो जन से जो है जनपद का निर्माण हो चुका था इसके बाद सारे जनपद जो है मिलकर के उत्तर भारत को लगभग सोलह महाजनपदों में विभाजित कर दिया संपूर्ण उत्तर भारत जो है उत्तर वैदिक काल के बाद कितने भागों में बन गया था सोलह महाजनपद में अब उन महाजनपद की बारे में आज पढ़ के चल चलेंगे जरा ठीक है तो सबसे पहले लिखेंगे भाई यहाँ पे सोलह महाजनपद क्या है सोलह महा जनपद तो सोलह महाजनपद कौन कौन से हैं उन सबको याद रखना है कभी कभी उनकी राजधानी मिलाने के लिए आ जाएगी कि निम्न में से सही मिलान कीजिए या सुमिलित नहीं है ठीक है ना तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ से सोलह महाजनपद अब इन महाजनपद का जो हमें उल्लेख मिलता है ठीक है ना इतिहास में हमें सोलह महाजनपद की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है तो कहाँ से तो दो ग्रंथ हमारे पास एक तो बौद्ध ग्रंथ है क्या है बौद्ध ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ कौन सा अंगुतर निकाय क्या है अंगुतर निकाय और दूसरा कौन सा है जैन ग्रंथ जैन ग्रंथ भगवती सूत्र क्या है तो अगर आपको कभी पूछा जाए कि सोलह महाजनपद के बारे में हमें कहाँ से उल्लेख मिलता है तो कहाँ मिलता है एक तो बौद्ध ग्रंथ से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है इसके बारे में अंगुत्तर निकाय से और दूसरा हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है भगवती सूत्र से प्राप्त हो रही है तो सोलह महाजनपद के बारे में हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रही जानकारी अंगुतर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है बौद्ध धर्म से संबंधित है और भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है तो इसमें उल्लेख मिलता है इन महाजनपदों का तब जाके हम इतिहास के बारे में इसके इतिहास के बारे में पढ़ पाते हैं समझ रहे हो बात को तो अगर हम महाजनपदों को पढ़ें तो मुझे लगता है हमें मैप के थ्रू ज़्यादा आसान आसानी होगी ठीक है तो देखिए भाई तो आपको भी इसी प्रकार याद रखना है सोलह महाजनपदों में से मगध महाजनपद जो है उसका उत्कर्ष बाद में हुआ था सोलह महाजनपद में से मगध महाजनपद ही बाद में रह गया बाकी महाजनपद क्या हो गए सबका विलय महाजनपद किस में हो गया मगध में हो गया उसके कारण को पढ़ेंगे आगे लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से हैं महाजनपद क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा शायद वनडे एग्जाम में कि इसकी राजधानी कहाँ है सुमिलित कीजिए या सुमिलित नहीं है इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं और एक क्वेश्चन जो हमने पहले ही बता दिया कि सोलह महाजनपद की जानकारी निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से मिलती है तो क्या है अंगोतर निकाय और भगवती सूत्र दो ग्रंथ याद रखने आपको एक जैन है और एक बौद्ध ग्रंथ तो मैप फिर से बनाइए भारत का ठीक है ना भारत का मैप आपको बिल्कुल भारत हो या जहां भी मैप की जरूरत पड़ती भाई तो थोड़ा बहुत मैप आपको आना चाहिए बनाना समझ रहे हो बात मैप की आवश्यकता बहुत पड़ेगी आपको तभी जाके भाई आपका वो जीएस थोड़ा सा दुरुस्त आएगा थोड़ा मैप मूव भी आना चाहिए देखिए यहाँ पे पहले क्या था भारत के साथ जो है साथ में क्या भी था पाकिस्तान भी था समझ रहे हो ना पाकिस्तान में सोलह महाजनपदों में से दो महाजनपद कहाँ पड़ते थे उस टाइम पे पाकिस्तान में तो नंबर एक लिखेंगे आप कम्बोज क्या है कम्बोज क्या है भाई कम्बोज तो एक महाजनपद है कन्बोज कहां पड़ता है पाकिस्तान में दूसरा महाजनपद है तक्षशिला जो कि प्राचीन काल में प्राचीन इतिहास में क्या रहेगा शिक्षा का केंद्र रहेगा महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला समझ रहे हो आप तक्षशिला और दूसरे बाद नालंदा विश्वविद्यालय दो प्राचीन काल के जो शिक्षा के केंद्र थे वो क्या थे तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय दो ही विश्वविद्यालय थे हमारे पास उसके बाद आया बल्लभी भी आया ठीक है ना तो कंबोज हो गया और तकसीला दो महाजनपद हो गए याद रखेंगे कहाँ पड़ते हैं पाकिस्तान में तीसरा महाजनपद अगर हम बात करें तो इसके बगल में कौन सा जिला पर, ये राज्य पड़ता है भारत का राजस्थान राजस्थान है तो यहाँ पे राजस्थान में एक पड़ता है मत्स्य क्या पड़ता है मत्स्य ये भी एक क्या था महाजनपद था क्या था मत्स्य महाजनपद था और इधर कौन सा पड़ेगा भाई यहाँ महाराष्ट्र पड़ता है क्या पड़ता है महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र में भी एक महाजनपद था उसका नाम था अस्मक क्या था अस्मक इसके बाद हम इनकी राजधानी याद करके रखेंगे ठीक है ना पहले मैं महाजनपद को लिख लेता हूं सोलह महाजनपद कहाँ पे कौन है तो ये गोदावरी नदी घाटी में कौन सा महाजनपद है तो अस्मक, अस्मक है ठीक है ना इधर मत्स्य है ये कहाँ है राजस्थान में ठीक है ना और तकशिला और कंबुज कहाँ पे है तो ये पाकिस्तान में है इसके अगर बात करें तो हरियाणा और थोड़ा सा पंजाब वाला जो क्षेत्र है ये वाला तो यहाँ पे पड़ेगा कुरु और दिल्ली वाला हरियाणा और दिल्ली वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे कौन सा है कुरु कुरु महाजनपद कौन सा महाजनपद कुरु महाजनपद तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है ब्रैकेट में लिख देंगे हरियाणा और दिल्ली ठीक है ना कुरु इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे पड़ेगा क्या पड़ेगा भाई चेदी महाजनपद भी पड़ेगा एक क्या है चेदी महाजनपद है काशी है क्या है काशी महाजनपद है काशी कहां पड़ेगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी वाले क्षेत्र में तो वाराणसी इसकी राजधानी हो जाएगी काशी की ठीक है ना तो वाराणसी वाले कुरु कहाँ पड़ेगा हरियाणा और दिल्ली समझ रहे हो इधर पड़ेगा आपके क्या वत्स भी पड़ेगा यहाँ पे क्या होगा वत्स हो जाएगा ये काशी हो गया है ये चेदी है और इस असमक के ठीक ऊपर कौन सा है महाराष्ट्र के ठीक उत्तर में कौन सा राज्य है मध्य प्रदेश कौन सा है मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश की राजधानी मध्य प्रदेश में एक खास जगह है उज्जैन उज्जैन किस नदी के तट पर है तो छिपरा नदी के तट पर ठीक है ना तो उज्जैन भी एक महाजनपद की राजधानी थी उस समय तो उस महाजनपद का नाम है अवंती क्या है अवंती तो अवंती की राजधानी कहाँ है उज्जैन राजधानी हम इसके बाद पढ़ेंगे लेकिन पहले महाजनपद लिख लेते कितने हो गए भाई महाजनपद एक कम्बोज हो गया दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ हो गए ठीक तो आपको याद रखना वत्स हो गया सूरसेन कहाँ होगा मथुरा वाला क्षेत्र जो होगा सूरसेन की राजधानी कहाँ है मथुरा तो एक हो जाएगा सूरसेन समझ रहे हो बात को। एक हो जाए आपका क्या यहाँ लिख देते हैं कुछ और पांचाल क्या है पांचाल हो गया फिर पड़ेगा क्या इधर आपका कौशल हो गया ठीक है ना इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र पड़ेगा आपका ठीक है पंचाल हो गया कौशल हो गया मल हो गया और वजी हो गया क्या है मल मल बिहार वाली साइड पड़ेगा भाई इधर ठीक है ना मल हो गया वजी। और वजी साथ साथ एक महाजनपद है जो सबसे ज्यादा उत्कर्ष जिसका हुआ वो कौन था मगध महाजनपद तो अब कितने हो गए भाई पूरे हो गए सोलह अंग, अंग, अंग बचा हुआ है तो अंग यहाँ पे बिहार वाले क्षेत्र में पड़ेगा भाई अंग अवंती हो।, हो चुका है ये बार गिन लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह तो कितने महाजनपद हैं हमारे पास सोलह महाजनपद पाकिस्तान में कितने हैं दो राजस्थान में एक है महाराष्ट्र में एक है मध्य प्रदेश में एक है हरियाणा में एक है कुरु और अंग हो गया मगध हो गया और वजी हो गए ये बिहार वाले जो क्षेत्र है इसमें पढ़ेंगे बाकी जितने भी हैं वो कहाँ पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में अधिकांश महाजनपद हुआ करते थे उस टाइम पे समझ रहे हो और इसमें से जो सबसे ज्यादा जो जिसका उत्कर्ष हुआ जो आगे गया वो कौन सा महाजनपद गया मगध महाजनपद ठीक है ना उस चीज को हम समझेंगे आगे तो इनकी राजधानी याद करिए भाई अब कंबोज की राजधानी हो जाएगी कहाँ पे राजौरी या हाटक दो राजधानी याद रखेंगे कंबोज की राजधानी कहां है राजौरी या हाटक तकशिला तकशिला तो राजधानी है भाई सॉरी यहाँ पे ये क्या है राजधानी है इसका जो महाजनपद है वो क्या है गांधार महाजनपद है भाई गंधार या गांधार ठीक है ना? गांधार की राजधानी कहाँ है तक्षशिला तो मैंने पहले राजधानी लिख दी थी और मैंने उसे महाजनपद कह दिया गलती से ठीक है महाजनपद कौन है गांधार गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ है तक्षशिला मत्स्य की राजधानी किधर हो जाएगी भाई विराटनगर कहां है विराटनगर मत्स्य मत्स्य की राजधानी विराटनगर है असमक की राजधानी असमक की दो राजधानी है प्रतिष्ठान अस्मक की राजधानी कहा है प्रतिष्ठान या पोटली भी कहते हैं क्या कहते हैं पोटली तो दो राजधानी आपको याद रखनी है अवंती की कहा है भाई उज्जैन ठीक है ना अवंती की राजधानी कहाँ है उज्जैन है ठीक है ना पांचाल की राजधानी कहाँ हो जाएगी या अ छत्र दो राजधानी याद रखेंगे कामपिले या अ छत्र पांचाल के छत्र? की राजधानी कहाँ है काम्पिल या अहिछत्र कौशल की शरावस्ती कहां है श्रावस्ती है कौशल की राजधानी कहाँ है पांचाल के आई छत्र या कांपिल्य कुरु की इंद्रप्रस्थ कहा है इंद्रप्रस्थ काशी की काशी वाराणसी ठीक है ना वाराणसी और वत्स की कौशाम हो जाएगी वत्स की कौशाम हो जाएगी सूरसेन किधर हो जाएगी भाई मथुरा सूरसेन की अंग की चंपा, चंपा हो जाएगी ठीक है ना मगध की राजग्रह लिख लेंगे हाल फिल ठीक है ना राजग्रह मल की मल की क्या हो जाएगी कुशीनगर कुशीनगर और वजह की वैशाली कौशल लिख दिया हमने ठीक तो सब हो चुके हैं ठीक है ना तो सोलह महाजनपद कौन कौन से थे सबसे पहले तीन तीन चार चार करके याद करो पहले इधर वाले याद कर लो ठीक है ना? कंबोज की कहाँ है राजौरिया हाटक कहाँ है भाई राजौरी या हाटक गंधार की तक्सिला मत्स्य की विराटनगर और असम की प्रतिष्ठान या पोटली अवंती की उज्जैन है समझ रहे हो बात को तो इस सारा आपको याद रखना है फिर से बोलेंगे कम्बोज की राजौरिया हाटक तकशिला कहाँ की है गांधार की मत्स्य की विराटनगर अस्मक की प्रतिष्ठा ने ली अवंती की उज्जैन उसके बाद कुरु की इंद्रप्रस्थ उसके बाद काशी की वाराणसी वत्स की कौशाम्बी अंग की तो याद करना पड़ेगा भाई ठीक है ना? दो मिनट का टाइम है अभी याद करो आप फटाफट ठीक है फटाफट याद करिए जरा मेरे साथ बोलेंगे फिर क्योंकि ये याद करने का ही प्रश्न यहाँ से बनेगा तो याद करना पड़ेगा भैया आपको ठीक है ये बात है तो इसमें से जो महाजनपद जो है आगे जाएगा कौन है मगध महाजनपद ठीक है ना तो चलो याद करो आप पहले दो मिनट का समय है देखते हैं आपको कितना लर्न होता है ठीक है भाई मैप में ही आप बनाएंगे इसे ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैंने बनाया है इसकी इसका जो वर्णन हमें मिलता है उल्लेख मिलता है जिससे हम इस महाजनपद के बारे में पढ़ पाते पढ़ पाते हैं वो क्या है अंगुतर निकाय और भगवती सूत्र दो ऐसे ग्रंथ हैं जो आपको ध्यान रखने हैं ठीक है थीके? तो हो गया भाई याद जो नहीं है याद उनको करो पहले याद जो याद है उनको मत करो ठीक है एक बार घर में भी ऐसी मैप बनाना एक दो बार याद हो जाएंगे खुद ही ठीक है ना चलो साथ बोलेंगे एक बार बताओ भाई कम्बोज की राजौरी या हाटक गांधार की तकशिला अस्मक की प्रतिष्ठान पोटली मत्स्य की विराटनगर कोरु की इंद्रप्रस्थ काशी की वाराणसी वत्स की कौशाम्बी पांचाल की आई छत्र एवं काम्पिल्य अंग की चंपा कौशल की श्रावस्ती चेद की शक्तिमती चेद की नहीं लिखी हमने शायद चेद की लिखी नहीं है शक्तिमती है उसका ठीक है ना और मगध की राजगृह हो जाएगी मल्ल की क्या होगी कुशीनगर और वजी की बैसाजी हो जाएगी ठीक है तो सूरसेन मथुरा हो जाएगा तो इतनी सी बात है बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं ठीक है तो ये सारी याद रखने भाई आपको ठीक है ना तो ये आपके सोलह महाजनपद हैं इनको आप ध्यान रखेंगे महाजनपद में से जिसका विकास हुआ जिसका उत्कर्ष हुआ कौन सा महाजनपद था मगध महाजनपद था ठीक है ना तो मगध महाजनपद का उत्कर्ष ही क्यों हुआ औरों का क्यों नहीं हुआ उसके क्या कारण थे उन, उन चीजों को समझ के चलेंगे आप ठीक है ना अब इसके पीछे रीजन ये था कि वहां के राजा क्या थे भाई महत्वाकांक्षी थे युद्ध की युद्ध की नीति भी अपनाई साथ साथ जो पड़ोसी राज्यों से मित्रतापूर्ण व्यवहार किया प्रेमपूर्ण व्यवहार किया तो अनेक प्रकार की नीतियों का उसने क्या किया अनुसरण किया उन्होंने ठीक है और उस नीति के तहत अपने राज्य का क्या किया माना कि मेरे एक राज्य है मेरे राज्य के बगल में कोई अन्य राज्य है मैंने क्या किया यहाँ से वैवाहिक नीति अपनाई वहां से क्या कर दिया विवाह कर दिया और दहीज स्वरूप कुछ मुझे राज्य में मिल गया ठीक है कहीं पर मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जैसे कि यहाँ पे क्या था बिम्बिसार आपने नाम सुना है हरे कंश का संस्थापक कौन है बिम्बिसार तो बिंबिसार का एक क्या होता था राजवैद्य होता था जीवक क्या था जीवक तो जीवक ने क्या किया अवंती भी हमने एक महाजनपद पढ़ा भी तो अवंती का राजा हुआ करता था चंड प्रद्योत क्या था अब चंड प्रद्योत जो है एक बार बीमार पड़ गया बहुत ज़्यादा जो जीवक था इसका क्या राजवैद्य तो बिंबिसार ने क्या किया अपने राज्य वैद्य को कहाँ भेज दिया चंद्र की सेवा में भेज दिया ठीक है और धीरे धीरे उसके राज्य को अपने इसमें मिला दिया ठीक है ना तो ये मित्रतापूर्ण व्यवहार के तहत साथ साथ इसने क्या किया वैवाहिक नीति भी अपनाई अन्य राजा जैसे काशी हो गई ठीक है ना और अन्य जगहों के राजाओं की बेटियों से ठीक है ना उनसे विवाह कर लिया तो वो जो क्षेत्र था वो प्राप्त कर लिया कहीं पर इन्होंने युद्ध किया समझ रहे हो बात को तो इस आधार पर जो है यहाँ के राजा क्या थे महत्वाकांक्षी थे दूसरा इसकी भौगोलिक स्थिति भी कुछ ऐसी थी मगध महाजनपद की कि यहाँ पे अन्य राजाओं का जो आक्रमण था वो आसान नहीं था उनके लिए समझिए जरा बात को देखिए माना कि ये भारत है ठीक है ना रफली बना रहा हूँ भाई ठीक है माना ये यहाँ पे क्या है मगध ये है समझ रहे हो बात को मगध महाजनपद है अब इसके चारों ओर बहुत सारे महाजनपद हैं इधर भी महाजनपद है इधर भी कोई दूसरा है इधर भी कोई दूसरा है इधर तो बहुत सारे हैं है ना इधर भी है है ना साथ साथ यहाँ पे यहाँ पे तो प्राकृतिक सीमा है ये मगध का पूरा बड़ा हो गया था बाद में जब अन्य राज्यों का भी विलय होगा अन्य महाजनपदों का भी तो मगध का क्या हो गया स्वरूप थोड़ा सा बढ़ गया समझ रहे बात को तो इधर जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ क्या था प्राकृतिक सीमा रेखा थी तत्कालीन समय में कोई जल जहाज तो था नहीं उस समय और इधर से अन्य राज्य थे माना कि इधर से कोई आक्रमणकारी आएगा तो पहले इनसे भिड़ना पड़ेगा कि नहीं भिड़ना पड़ेगा भिड़ना पड़ेगा लड़ाई पहले इधर से करनी पड़ेगी तो मगध तक पहुंचने में उसको काफी टाइम लग जाएगा ठीक है ना तब तक मगध के राजा भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं युद्ध के लिए कि नहीं कर सकते तो एक कारण ये भी था कि अन्य राज्य अन्य राज्य इसके चारों ओर थे इस तरफ से इसके बहुत सारे राज्य थे उत्तर में देखें तो इधर भी राज्य थे इधर जो है बंगाल की खाड़ी प्राकृतिक सीमा थी क्योंकि जल से कोई आ नहीं सकता था समझ और यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में यहाँ पे हाथी पाए जाते थे इन जंगलों में मगध के जंगलों में क्या पाए जाते थे हाथी पाए जाते थे जो कि युद्ध के लिए क्या थे उस टाइम महत्वपूर्ण होते थे ठीक है ना तो इन सब कारणों के वजह से और साथ साथ जो यहाँ के राजा थे वो कैसे थे महत्वाकांक्षी थे समझ रहे हो दूसरे महाजनपद को अपने महाजनपद में कैसे मिलाया जाए उसके लिए वो अलग अलग नीतियों का पालन करते थे जैसे कि मैंने बताया वैवाहिक नीति अपनाई गई मित्रतापूर्ण व्यवहार किया गया और युद्ध जैसी नीति भी अपनाई गई समझ रहे हो बात इसीलिए मगध महाजनपद का उत्कर्ष इन सब महाजनपदों में से हुआ था क्लियर हुई बात ठीक है तो मगध महाजनपद पर अलग अलग राजवंशों ने राज किया भारत का पहला राजवंशीय राज्य कौन था हरेक वंश हरेक वंश कौन सा वंश था और उस सब स... पहला जो राजवंशीय राजा था वो कौन था बिम्बिसार समझ रहे हो बात को तो इस मगध महाजनपद पर कई राजाओं ने कई वंशों ने राज किया मौर्य वंश भी आएंगे इसी में समझ रहे हो हरेक वंश शुरू में क्या आएगा हरेक वंश आएगा उसके बाद शिशुनाग वंश आएगा उसके बाद नंद वंश आएगा उसके बाद मौर्य वंश आएगा तो बहुत सारे वंशों ने इस मगध महाजनपद पर क्या किया राज किया मगध पर राज किया तो सबसे पहले आता है वंश क्या आता है वंश इस पर शासन करने वाले अनेक वंश और अनेक राजा हुए इसमें ठीक है ना वंश आया वंश के बाद कौन आएगा शिशु वंश आएगा क्या आएगा शिशु तो वंश आएगा शिशु वंश के बाद नंद वंश आएगा और नंद वंश के बाद क्या आएगा भाई मौर्य वंश आएगा ठीक है ना मौर्य वंश आएगा तो इन सब वंशों के बारे में हमें आगे पढ़ना है ठीक है ना तो कल करते हैं हर एक वंश से शुरू आज के लिए इतना काफी है ठीक है धन्यवाद